रहीम। आज हमने हमारा टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई क्या, हमने क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़नी है कि फंजाई जो है वो बाकी ऑर्गेनिज्म की तरह कैसे अपनी न्यूट्रिशन हासिल करती है, कैसे फूड हासिल करती है। फंजाई का आपको पता है कि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, दे लैक क्लोरोफिल्स एंड आर हेटरोट्रॉफ्स, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते, तो फिर उन्हें क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। इनकी नेचर कैसी होती है, अडॉप्टिव नेचर होती है इनकी, ये इनके अंदर प्रॉपर माउथ तो डिवेलप नहीं होता ताकि ये इंजेस्ट कर सके फूड को, ये इंजेस्ट नहीं कर सकते ह्यूमंस की तरह, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को, जो भी फूड इन्होंने खाना था उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इन्हें अडॉप्टिव हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है। आगे न्यूट्रिशन के बेस पे इनकी डिफरेंट टाइप्स बनाई जाती हैं। सबसे पहले टाइप जो है ऐसी फंजाई जो कि डिकम्पोजर्स होती हैं, वो मटेरियल को, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एंजाइम, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपने एंजाइम रिलीज करते हैं, वो एंजाइम उसकी तोड़फोड़ कर देते हैं, उसको डिके कर देते हैं, और फिर जो उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो ये क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर अटैच होने के लिए ये अपने हाइफी यूज करते हैं, इन हाइफी को क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं, यानी जिस भी चीज को इन्होंने डिके करना है उसके ऊपर इन्होंने पहले अटैच होना है ना, अटैच होने के लिए अपने फिलामेंट्स यूज करते हैं जिन्हें हम हाइफी या राइजोइड्स कहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे टाइप्स होती हैं फंजाई की जो कि पैरासिटिक होती है, मतलब ये अपनी फूड हासिल करती हैं किसी ना किसी लिविंग होस्ट में से, इनको इनको होस्ट चाहिए होता है अपनी न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए। आगे से इनकी भी दो टाइप्स हैं, ऐसे पैरासिटिक फंजाई कुछ होते हैं जो कि ऑब्लिगेट होते हैं, कुछ होते हैं फैकल्टेटिव होते हैं। ऑब्लिगेट जो फंजाई होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट के अंदर से ही न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, और लिविंग होस्ट के अंदर ये जिंदा रह सकते हैं, वैसे ये जिंदा नहीं रह सकते, अगर इनको लिविंग होस्ट नहीं मिलेगा तो ये अपनी न्यूट्रिशन हासिल नहीं कर सकते। और जो होते हैं फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई, ये क्या कर सकते हैं, इनके अंदर चॉइस होती है कि अगर लिविंग होस्ट मिल जाता तो ये फूड हासिल कर लेते हैं, अगर लिविंग होस्ट नहीं भी मिलता तो ये अपना गुजारा कर लेते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर के जरिए से। नेक्स्ट इनकी टाइप है प्रेडेटिव फंजाई, ऐसी फंजाई जो कि प्रेडेशन करती है, प्री करती है, शिकार करती है। इसके अंदर ऐसी फंजाई होती है जिसके अंदर एबिलिटी होती है जो कि पैरालाइज कर देती है ऐसे नेमाटोड्स को जो कि इनको फीड करने आए होते हैं। नेमाटोड जो है वो फंजाई को खाने आए होते हैं, लेकिन फंजाई जो है वो आगे से नेमाटोड को पैरालाइज कर देती है। कैसे पैरालाइज करती है, ये जैसे डायग्राम में दिखाया गया, फंजाई उसके इर्द गिर्द, उसकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द रिंग्स बना देती है, रिंग्स बना के उसे बिल्कुल कंट्रोल कर देती है, उसे हिलने नहीं देती, फिर उसके अंदर अपने एंजाइम्स रिलीज करती है जिसकी वजह से वो डिके हो जाता है, और उसके अंदर से सारा नाइट्रोजन कंटेंट खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है, यूज कर लेती है, इस तरह नेमाटोड्स की डेथ हो जाती है। इसकी जो टाइप्स है, इसकी एग्जांपल क्या है, आर्थ्रोबोट्रिस जो फंजाई नेमाटोड्स को फीड करती है उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है आर्थ्रोबोट्रिस। देन अगली एग्जांपल है लाइकेन एसोसिएशन, कुछ फंजाई होती है जो कि एसोसिएशन बना के मिलजुल के रहती है एल्जी के साथ, यानी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, उसको फायदा ही देती है, और इन रिटर्न एल्जी भी इस फंजाई को फायदा ही पहुंचाती है। ये एसोसिएशन होती है फंजाई और ग्रीन एल्जी की, या फिर फंजाई और साइनोबैक्टीरिया की। इसमें क्या होता है कि लाइकेंस जो हैं वो एल्जी को क्या देती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, फंजाई जो है वो एल्जी को क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, और इन रिटर्न जो एल्जी है वो फंजाई को क्या देती है, फूड देती है।